हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए ब्लॉग के साथ। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट करा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला था कि भाई कोई बाइक सजेस्ट करो अंडर 2 लाख। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे को कहा कि भाई कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी अंडर 2 लाख के अंदर, तो मैं सबको जवाब तो एक साथ दे नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने एक वीडियो ही बना दी उसके ऊपर। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट है। लाइक आप स्टूडेंट हैं या नॉर्मल जॉब करते हैं या कुछ भी है, जो भी आपके लिए जो भी बाइक सूटेबल रहेगी, बेस्ट रहेगी, चीप रहेगी या सस्ती रहेगी, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इन्हीं बारे में बात करूंगा, बाइकें बताऊंगा आपको 5, और लास्ट में मैं एक बाइक अपनी बताऊंगा जो मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। पर्सनली मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में आपको इन 5 बाइकें में से कोई बाइक समझ नहीं आती है तो आप वो ऑप्शनल में रख सकते हैं, वो बाइक बहुत बेस्ट है, वन ऑफ द फेवरेट बाइक वो मेरी भी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो नंबर 1 बाइक के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे मेरी आती है यामा की MT15, जो कि वन ऑफ द फेवरेट नेकेड बाइक रही है लोगों की 2021 में, जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग जाती है 1,70,000 दिल्ली की, और 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप अदर स्टेट से हो। यहीं पर इंजन की बात करूँ तो इंजन की पावर आपको मिल जाती है 155 cc की, जिसमें आपको 18.23 का BHP मिल जाता है और 13.9 का NM मिल जाता है, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। और यहीं मैं बात करूं एवरेज की, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बाइक बेस्ट रहने वाली है। इसमें 40-45 किलोमीटर पर लीटर की आपको एवरेज मिल जाएगी, जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी और सेकंड में भी आपको डिस्क मिलेगी। और वेट की मैं बात करूं तो 138 kg का आपको वेट मिलता है। अगर आप लाइक स्किनी हो, थोड़े से पतले हो, दुबले हो, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं, आपके लिए बाइक एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपको लॉन्ग राइड पर बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करेगा। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है इसकी ब्रेकिंग। और 70 इंच का एलॉय आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें मतलब मल्टी कलर आ जाते हैं, बहुत सारे कलर मिलते हैं। और फ्रंट के टायर की अगर मैं बात करूँ, 100 सेक्शन का आपको यहाँ पे टायर मिलता है, और रियर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराएगा, जो कि रेडियल ट्यूबलेस है। यही मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इस बाइक, इस सेगमेंट की बाइक में। यही बात करें हम सेकेंड बाइक के बारे में, जो कि एकदम बीस रहने वाली, किलर लुक रहने वाला है इसका। अगर आप फेड बाइक के शौकीन हैं, आपको फेड बाइक पसंद है, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं, जो कि है अपनी RS 200 बजाज की। बहुत वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है ये, मैं खुद भी इसको अर्न करता हूँ, चलाता हूँ। और ऑन रोड प्राइसिंग आपका इसको पड़ेगा 1,87,000 के अप्रॉक्स, और अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएंगी, रेड, वाइट और ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे 3-4 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। और यहीं पे मैं बात करूँ इसके इंजन की, 199 cc का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है, 24.2 की BHP मिल जाती है और 18.7 का NM मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इस बाइक, इस सेगमेंट की बाइकों के अंदर। और यहाँ पे इसका अगर मैं वेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 166 kg का आपको वेट मिल जाता है। थोड़ा सा हैवी है पर कोई नहीं, अच्छा है। पर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, अगर आपको अपना टसन बनाना हो, लाइक आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज वॉलेज जाते हैं, अगर आपको चाहिए कि हाँ सब लोगों की आँखें आपकी बाइकों के ऊपर रहें, तो आप इस बाइक की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। और टॉप स्पीड इसकी 140-145 के अप्रॉक्स जाती है, और इसी के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा देगा आपको लॉन्ग राइड पे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहीं पे अगर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके अंदर, और 70 इंच के एलॉय मिल जाते हैं। एलॉय के कलर का कलर अलग अलग वेरिएंट पे डिपेंड करता है, कुछ बाइकों में वाइट भी आते हैं, कुछ बाइकों में ब्लैक भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फ्रंट टायर है 100 सेक्शन का, और रेयर टायर है वो है 130 सेक्शन का। हाँ, हालांकि पीछे वाला थोड़ा सा कम है, पर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स टूरर है भाई, और इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं खुद इसको ऑन करता हूँ, बहुत ज़्यादा बेस्ट बाइक है ये। अब चलते हैं थर्ड बाइक की ओर, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट बाइक रहने वाली है इंडियंस की, जो कि रहने वाली है अपनी बुलेट रॉयल इनफील्ड की 35 KS मॉडल। KS मॉडल मीन्स किक स्टार्ट, इसमें आपको सेल्फ नहीं मिलेगा, जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग आपकी रहने वाली है 1,70,000 के अप्रॉक्स दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो 3-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे रॉयल कलर मिल जाएंगे, लाइक आपको ब्लैक मिल जाएगा, जेट ब्लैक मिल जाएगा, रॉयल ब्लू मिल जाएगा, और रेगल रेड मिल जाएगा, और ब्लू भी मिल जाएगा। आपको बहुत सारे कलर हैं, आप जिस कलर के ऊपर जाना चाहें, सारे के सारे कलर इसके अंदर एक से एक हैं। और इसके अगर मैं इंजन की बात करूं, इंजन तो आप सब लोगों को पता ही है कितना हैवी मिलता है, 346 cc का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है, 19.1 की BHP पावर मिल जाती है, और
28 का NM मिल जाता है, NM टॉर्क, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 5 स्पीड का आपको यहाँ पे गियर बॉक्स मिल जाता है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना भाई, तो रॉयल इनफील्ड की बाइकें थोड़ी हालांकि कम एवरेज देती हैं रफ़ चलाने पे। अगर आप उसको 80 टू 90 या 70 टू 80 चलाते हो तो आपको बहुत अच्छी एवरेज प्रोवाइड कराएगी। लाइक आपको ये 40 टू 45 की एवरेज प्रोवाइड ईजिली करा देगी। और जो वेट है वो तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइकें हैं उनका वेट थोड़ा सा हैवी रहता है। तो इसका वेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 186 kg। और यही मैं बात करूं इसके टैंक की, तो आपको 13.5 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये बाइक मैं स्पेशली उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो कि लाइक टूर के लिए दीवाने हैं और लॉन्ग टूर मारते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल बाइक है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता इस बाइक को अगर आप लॉन्ग टूर पर जाते हैं। और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोक व्हील मिलते हैं जिसकी इंचेस रहने वाली है 19 इंच की। और आपको यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बेस्ट हैं इस बाइक के लिए। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। 4th बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि रहने वाली है अपनी KTM RT 125। KTM की बाइक के बारे में आपको पता ही होगा, ये चीपेस्ट मतलब चीप बाइक नहीं बनाता, ये थोड़ी हैवी बाइकें बनाता है। लाइक इसके पावर से लेके इसके बिल्ड क्वालिटी तक सबसे सारी की सारी मतलब हैवी रहती हैं, तो इस वजह से इसकी कोई भी बाइक सस्ती नहीं मिलती है। तो यही चीज़ सोच के कंपनी ने 125cc की एक बाइक बनाई जिसका नाम रखा KTM RT 125, जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग रखी उन्होंने 2,04,000। तो ये 2 लाख के अंडर में तो नहीं आती, 2 लाख से थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। पर हाँ, आपको अगर जिसका बजट 2 लाख है वो इजीली इसको अफोर्ड कर लेगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। इसमें कलर आपको पता ही होंगे, KTM का थंबनेल है, सिंबल है ऑरेंज, वो हर बाइक में ऑरेंज जरूर लेगा। लाइक आपको यहाँ पे ग्रे और ब्लैक में देखने को मिल जाता है, ऑरेंज एंड वाइट देखने को मिल जाता है। कलर काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे हैं। और अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूँ तो 125cc का आपको इंजन मिल जाता है, 14.5 की BHP पावर मिल जाती है, और 12 Nm का आपको मैक्स टॉर्क मिल जाता है जो कि बेस्ट है। 6 स्पीड का आपको यहाँ पे गियर बॉक्स मिल जाता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ अगर मैं बात करूँ इसके माइलेज की, तो भाई KTM की बाइकों का आपको पता ही होगा उसमें माइलेज कम आती है, पर इस वाली बाइक में आपको 40 से लेके 45 तक आपको एवरेज मिल जाएगी इजीली अगर आप इसको रफ नहीं चलाते हो तो। अगर मैं बात करूँ टैंक की, तो आपको यहाँ पे 9.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल बाइक चलाते हैं अपने नॉर्मल चलाने के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है और ड्यूअल डिस्क मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी ब्रेकिंग देती है ये बाइक। टायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका फ्रंट का टायर 110 सेक्शन का मिल जाता है, और रियर का टायर आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पीछे का टायर यार मतलब इस सेगमेंट की बाइक में किसी में भी नहीं आता, 150 सेक्शन का टायर जो है ना बहुत बेस्ट ग्रिप प्रोवाइड कराता है, मैं हॉनेस्टली आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दोनों टायर जो है वो ट्यूबलेस मिल जाएंगे, जो कि बेस्ट है। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ। नंबर 5 पे आती है अपनी सुजुकी की जिक्सर 250, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट बाइक है। 250cc की है, 2 लाख में 250cc की, यही एक ऐसी बाइक है जो आपको रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या मतलब काफ़ी टाइम के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। जो नेकेड लवर है वो काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को पसंद करते आए हुए हैं। और इसका इंजन जो है वो तो मतलब यार उम्दा, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 2,04,000 के अप्रॉक्स आपको ये बाइक मिल जाती है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आपको 2,10,000-11,000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी। कलर आपको यहाँ पे 2 मिल जाते हैं, एक मैट ब्लैक मिल जाता है और एक ब्लू मिल जाता है। और अगर मैं इंजन की बात करूं, 249cc का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है, 26.13 की BHP पावर मिल जाती है, एंड 22.2 का NM टॉर्क मिल जाता है, जो कि बहुत बेस्ट है। और 6 स्पीड का यहाँ पे गियर बॉक्स मिल जाता है, और इसके साथ साथ इसकी जो एवरेज है भाई बहुत बेस्ट है, 35 से लेके 40 km/L तक की एवरेज आपको दे सकती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में भी डिस्क मिल जाते हैं, रियर में भी डिस्क मिल जाते हैं, 17 inches के आपको यहाँ पे अलॉय भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ वेट की, तो 156kg की यहाँ पे आपको बाइक का वेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल है। अगर आप स्किनी हैं, लाइक आपकी हाइट थोड़ी कम है, मतलब इजीली हर टाइप का बंदा इसको चला सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। और अगर मैं इसके टैंक की बात करूँ ना, तो भाई इसमें 12 लीटर का आपको यहाँ पे टैंक मिल जाता है, जो कि मतलब लॉन्ग राइड पे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं,
और टायर साइज़ के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे फ्रंट का टायर आपको 110 सेक्शन का मिल जाता है और रियर का टायर 150 सेक्शन का मिल जाता है, जो कि मतलब 150 सेक्शन के जितने भी टायर हैं वो सारे के सारे एकदम बेस्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो इस लिस्ट में नहीं थी पर वो मैंने ऐड कर दी। वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक रह चुकी नहीं है, वो है और रहेगी, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बाइक है, जिसका नाम है यामा RN5 वर्जन 4। वो मतलब इतनी बेस्ट बाइक है ना यार, वो मतलब 200 सीसी तक की बाइकों को हराने की पावर रखती है। इसमें कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ब्लू, ब्लैक, ग्रे और रेड, बहुत सारे आपको रेसिंग ब्लू मिल जाएगा, आपको मोटो जीपी एडिशन मिल जाएगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो आपको 2,01,000 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे ये गाड़ी मिल जाएगी दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो 1-2 हज़ार रुपये आपको कम ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इंजन की बात करूँ ना, तो 155 सीसी का इतना स्मूथ इंजन मिल जाता है कि अगर आप उसको रफ चलाओ, चाहे zigzag ड्राइविंग करो, चाहे जैसे मर्जी इस गाड़ी को चलाओ, इसमें ना भाई सालों साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और 18.1 का BHP पावर मिल जाती है और 14.2 का NM टॉर्क मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो कि मतलब गियर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अगर मैं इसकी फ़ीचर के बारे में बात करूँ ना, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, LED डिस्प्ले मिल जाती है, LED लाइट्स मिल जाती है। इतनी ज़्यादा फीचर्स आपको कोई भी बाइक प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर इसके मैं फ्रंट टायर की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाता है, 140 का बैक टायर मिल जाता है, मतलब रियर टायर मिल जाता है। और अगर जो मेरी पर्सनली फेवरेट चीज़ है एवरेज की बात करूँ ना, तो आपको 45 से लेके 50 तक की एवरेज ये आराम से, मतलब एकदम स्मूथ तरीके से, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 45 से लेके 50 तक की एवरेज दे देगी। दिखने में ये बाइक इतनी क्लासी लगती है ना यार, कि कोई भी शायद ऐसा बंदा होगा, कोई ही ऐसा नॉर्मल बंदा होगा जो रुक के इस बाइक को नहीं पूछेगा कि भाई ये बाइक कितने की ली। बहुत लोग इसको सुपर बाइक भी समझते हैं, कई लोग जो इसको देखते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये मतलब बहुत बेस्ट बाइक है। और फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 11 लीटर का आपको यहाँ पे टैंक मिल जाता है, जो कि बहुत बेस्ट। और फ्रंट में आपको USD फॉक्स मिल जाते हैं, जो इस सेक्शन के किसी भी बाइक में नहीं आते। और रियर में आपको मोनोसॉप सस्पेंशन मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं इन बाइकों के लिए। तो यही रहने वाला था आज का वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल।